देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ रोष मार्च निकाला है। युवा कांग्रेस ने शिमला में रैली की और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शेरे पंजाब पर पकौड़े बेचे और लोगों के जूते पॉलिश कर अपना विरोध जताया। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देश के बेरोजगारों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए। आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने आगाज किया है केंद्र सरकार के खिलाफ कि किस तरह से जो आज हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी है बढ़ती जा रही है। आज से 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के नौजवानों को मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा अगर वो सत्ता में आए। आज उनको 4 साल सत्ता में आकर हो गए हैं तो इस हिसाब से 8 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नौकरी मिलना तो दूर की बात है, नोटबंदी और GST की वजह से जो रोजगार थे वो भी छीन चुके हैं। जब भारतीय युवा कांग्रेस ने RTI के माध्यम से सूचना दी है कि इन 4 सालों में मोदी जी ने कितना रोजगार दिया है, मात्र 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, वो भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को लेकर। आज किस तरह से मोदी जी देश का पैसा लेकर जो मोदी जी के दोस्त है वो भगौड़े होते जा रहे हैं और इस देश के युवाओं को पकौड़ा बेचने की वो सलाह दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और आज हमारे युवाओं ने एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट किया है, किस तरह से उन्हें अपने रोजगार के साधन स्वयं तलाशने पड़ रहे हैं।